नमस्कार लर्नर्स, मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से डॉक्टर रुचि पांडे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स। दिस इज द पार्ट फोर्थ ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन के मध्य में बनने वाले इंटरमीडिएट, जिसमें हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनायंस। बोथ कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनायंस आर प्रोड्यूस बाय द हेटेरोटिक फिशन। आपने देखा था कि हेटेरोटिक फिशन के थ्रू जो स्पीसीज बनती है उसमें जब कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उसे हम कार्बोकैटायंस कहते हैं, और जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कार्बोएनायन के नाम से जानते हैं। सो कुड आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट इंटरमीडिएट, दिस इज फ्री रेडिकल। वो हमारा क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? देखिए, दीज आर द स्पीसीज विच आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक फिशन। मैंने क्या बोला? देखिए, दीज आर द स्पीसीज विच आर अमंग और एटम्स ऑफ ग्रुप कंटेनिंग अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंटेनिंग अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से बनते हैं? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनते हैं। और ये किसके थ्रू बनता है? दीज आर प्रोड्यूस बाय द होमोलिटिक फिशन। ये कैसे बनेंगे? दीज आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन के थ्रू जो हमारी स्पीसीज बनेगी उस स्पीसीज को हम कौन सी स्पीसीज कहेंगे? फ्री रेडिकल। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज ए और बी कोई बॉन्डेड स्पीसीज है, तो इसमें जो ये प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए बी की तरफ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ हो गया, और आपका जो स्पीसीज ऑप्टेन हुई, ना तो इसमें कोई प्लस चार्ज आएगा ना कोई माइनस चार्ज आएगा। क्योंकि क्या है? क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, कोई भी चार्ज नहीं बना, तो उससे जो स्पीसीज बनती है दिस इज नोन एज द फ्री रेडिकल। उसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं? दिस इज नोन एज द फ्री रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, सो So these free radicals are strongly reactive because they have stronger tendency to become paired and their nature is paramagnetic. आपको साफ दिख रहा है कि मान लीजिए सपोज हमने कोई बॉन्ड बनाया, हमने कोई बॉन्ड ब्रेक करा, सपोज दिस इज द CH3 बॉन्ड, CH3 मैंने वहां ए बी करके शो करता, इनमें जो फिशन होगा वो कौन सा फिशन है? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन होगा तो ये जो बॉन्ड होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से हमारे पास जो स्पीसीज बनी CH3 फ्री रेडिकल, दिस इज द CH3 फ्री रेडिकल स्पीसीज। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, दीज आर नॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए पेयर करने की कोशिश करेगा, और पेयर करने की कोशिश करेगा, कहने का मतलब है पेयर करने की कोशिश करेगा तो यहीं पर क्लियर हो रहा है कि वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक। और पेयर करने की टेंडेंसी करेगा तो ये क्या होगा? बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। So these are known as the free radical. So question ये उठता है कि हमने आपको ये तो बता दिया कि वो स्पीसीज जो होमोलिटिक फिशन के थ्रू बनती है, जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल में किस तरह का संकरण हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन इन फ्री रेडिकल is shown sp2 hybridization and their geometry is triangular. You know that when sp2 hybridization is present, the geometry is triangular. उसकी geometry क्या होती है? Triangular होती है। कैसे? देखिए, हमने अभी आपको बताया कि CH3 free radical की बात करेंगे, हमने कहा मान लीजिए CH3 free radical की बात करेंगे कहा, तो this is the CH3 free radical, ये हमारा CH3 free radical लिया, ठीक, ये हमने लिया CH3 free radical लिया। So we know that this is the lone pair of electron, ये lone pair of electron है, ये आपको अपने आपको stable करने की कोशिश करेगा। So we have one bond, two bond, three bond, total लगे कितने bond है? Three bond. Three bond का मतलब होगा एक s, t, two, दो और एक t, total लगे कितने होगा? Three bond produce हो रहे हैं। तो hybridization कौन सा हो रहा है? sp2 hybridization produce हो रहा है, जो साफ दिख रहा है, देखो c हो गया एक s, दो s, तीन s, एक s, दो s, तीन s, geometry में दिख रहा होगा, 1s, 2s, 3s, 3s हो गए, और ये this is the lone pair of electron जिसे हम कहते हैं odd electron। p orbital में क्या दिख रहा है? This is the lone pair of electron, carbon का कौन सा orbital है? This is the p orbital, carbon का last electron किसमें enter करता है? p orbital में, तो this is the p orbital, this is p orbital containing the odd electron, so hybridization is sp2, ये hybridization किस नाम से जाना जाएगा? sp2 hybridization के नाम से जाना जाएगा। So these are free radical. What are the main characteristics of the free radical? Free radical की कुछ characteristics होती होंगी, वो आपको मैं explain कर रही हूँ, या कह सकते हो classification of the free radical. Free radical are classified into two following three types: primary free radical, secondary free radical, tertiary free radical, या कह सकते हो simple free radical. ठीक,
प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होते हैं? प्राइमरी फ्री रेडिकल व्हेन वन एच एटम यानी कि वन CH3 ग्रुप सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने आज तक करा है। प्राइमरी फ्री रेडिकल का मतलब है कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन, बट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन में एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा या तीन के तीन हाइड्रोजन होंगे जो कोई भी मिथाइल ग्रुप से अटैच नहीं होगा, या कह सकते हो जिसमें एक कार्बन दो हाइड्रोजन से और एक CH3 ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है, साथ में, लेकिन शर्त यह है कि वन ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक। प्राइमरी फ्री रेडिकल व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ CH3, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ CH3 ग्रुप इज रिप्लेस बाय अनदर अल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी फ्री रेडिकल, जिसमें या तो तीन के तीन हाइड्रोजन होंगे या एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH3 ग्रुप से। तो इस तरह के फ्री रेडिकल को हम कौन सा फ्री रेडिकल कहते हैं? प्राइमरी फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या हुआ? सेम सेकेंडरी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या हुआ? सेकेंडरी में दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस देंगे विद CH3 ग्रुप, जिसमें टू हाइड्रोजन एटम ऑफ CH3 ग्रुप इज रिप्लेस बाय अनदर अल्काइल ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जिसमें फ्री रेडिकल तो है हमारे पास लेकिन दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे दो CH3 ग्रुप से। उस तरह के फ्री रेडिकल को हम कौन सा फ्री रेडिकल कहेंगे? सेकेंडरी फ्री रेडिकल के नाम से जानेंगे। इसके बाद में हमारे पास टर्शियरी फ्री रेडिकल। टर्शियरी फ्री रेडिकल क्या हुआ? टर्शियरी फ्री रेडिकल जिसमें तीन हाइड्रोजन, जो तीन के तीन हाइड्रोजन थे, फ्री रेडिकल तो है अभी भी लेकिन तीन के तीन जो हाइड्रोजन है हमारे रिप्लेस हो जाएंगे CH3 ग्रुप से। तीनों के तीनों हाइड्रोजन में हमारे क्या हो जाएंगे? CH3 ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन हमारा फ्री रेडिकल अभी भी बना हुआ है। तो दिस इज नोन एज द टर्शियरी फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल को हम क्या कहेंगे? टर्शियरी फ्री रेडिकल के नाम से जानेंगे। तो प्राइमरी सेम है प्रोसीजर, प्राइमरी में वन CH3 ग्रुप होगा, सेकेंडरी में दो CH3 ग्रुप होंगे और टर्शियरी में क्या होंगे? तीन के तीन CH3 ग्रुप होंगे सेंटर कार्बन से। तो इस तरह के हम रेडिकल को कौन से होंगे? प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल, ठीक। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, द रिलेवेंट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट। हम इसको किससे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट। इफ अल्काइल चेन इज लॉन्गर अटैच टू द कार्बन विच बियर्स कैरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, देन देयर इज द मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन इन द ऑड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट बिकम मोर स्टेबल। क्या कहने का मतलब है कि जिस फ्री रेडिकल में मैक्सिमम रेजोनेंस या डीलोकलाइज करने की कंडीशन होगी, ठीक। मैं इसको CH3 को ओपन करके दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर भी इस CH3 को ओपन करके दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर भी इस CH3 को ओपन करके दिखा दे रही हूँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ये आपका ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल में ये दो CH3 को ओपन करके दिखा दे रही हूँ, ये हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक। दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द टर्शियरी, ओके, एंड दिस इज द प्राइमरी। ये एच हो गया, दो एच होगा और ये CH3 को मैं ओपन करके दिखा दे रही हूँ, ठीक। अब क्या कहा? द रिलेवेंट स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? हाइपर कंजुगेशन। किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इफ अल्काइल चेन इज लॉन्गर अटैच टू द कार्बन बेयर कैरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, देयर इज मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है और इस ऑड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डीलोकलाइज करने की टेंडेंसी होगी। मैक्सिमम डीलोकलाइज करने का मतलब है ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जाएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, फिर घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी कि तीन बार यहाँ रोटेट करेगा, तीन बार यहाँ रोटेट करेगा, तीन बार यहाँ रोटेट करेगा। मैक्सिमम रेजोनेंस होने की टेंडेंसी कितनी टाइम्स है? नाइन टाइम्स है, ठीक। यहाँ दो CH3 ग्रुप है तो दो CH3 ग्रुप का मतलब है तीन बार यहाँ जाएगा, तीन बार यहाँ जाएगा, मैक्सिमम डीलोकलाइज करने की टेंडेंसी छह बार। यहाँ पर एक ही CH3 ग्रुप है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को केवल तीन बार यहाँ जाएगा, उसके अलावा दो बार यहाँ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम अब आपका साफ क्लियर हो रहा है कि उसने साफ बोला है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोस्ट स्टेबल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, उसकी मैक्सिमम डीलोकलाइज करने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। कहने का मतलब क्या देखिए, सिमिलरली सेकेंडरी फ्री रेडिकल हैज मोर डीलोकलाइजेशन देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, सो फाइनली इट इज क्लियर दैट टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल इन कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी और जीरो डिग्री फ्री रेडिकल। क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मैंने आपको बोला कि टर्शियरी में आपके डीलोकलाइजेशन करने की टर्शियरी में क्या मतलब हुआ आपका कि हमारा जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन
कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। हमारा टर्शियरी थ्योरेटिकल में तीन CH3 ग्रुप है। हमारा टर्शियरी थ्योरेटिकल ये है आपका, ये कार्बन है आपका, इसमें तीन CH3 ग्रुप है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तीनों में एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम टेलोक्लास करने की टेंडेंसी इसमें क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में एक ही दो CH3 ग्रुप है, दो CH3 ग्रुप में डिलोक्लाइज करने की टेंडेंसी इसमें दो बार है इधर, और इस प्राइमरी में एक CH3 ग्रुप है और दो हाइड्रोजन अटैच है, डिलोक्लाइज करने की टेंडेंसी क्या है इसमें, इसके कंपेयर में कम है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड देन इन कंपेयर टू द प्राइमरी एंड दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल। यानी कि जितना ज्यादा डिलोक्लाइज करेगा, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड करेगा, हाइपर कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद आपको हाइपर कंजुगेशन पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन जितना आएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन जितना आधा रोटेट करेगा, आपको मैंने बोला इन CH3 में जाएगा, इस CH3 में जाएगा, इस CH3 में जाएगा, तो रोटेट करने की यानी कि हाइपर कंजुगेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, 9 टाइम होगी, इसमें उसके कंपेयर में कम होगा, उसमें सबसे कम होगी। सो व्हाट वी फाइंड आउट दैट टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द free radical. Okay, thank you, have a nice